Oh my god. वाह, देखते हैं, ये देखिए शानदार। करता हूं मैं तो, देख सकते हैं परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं है, एक साल के बाद भी वैसा का वैसा ही परफॉर्मेंस है। देखते हैं बॉक्स के अंदर, यहाँ पर आपको फोम कैनन भी दोस्तों मिल रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित के सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों पिछले साल इसी जुलाई के महीने में मैंने ये वीडियो बनाई थी शक्ति S5 की, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था और इसका प्रेशर दिखाया था, जिस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आए आप लोगों के और काफ़ी लोगों ने इस प्रेशर वॉशर को पसंद किया। आप अमेज़ॉन पर इसकी रिव्यू भी देख सकते हैं। दोस्तों एक साल होने के बाद अभी कुछ इसमें नए अपडेट आए हैं जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं और मैं दिखाता हूं वे कैसे वैल्यू फॉर मनी है आप लोगों के लिए। तो चलिए फटाफट इसको कट करते हैं। हवा काफ़ी तेज चल रही है तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें मिल जाता है, ये देख सकते हैं, सक्शन पाइप। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसको करता हूं मैं पहले साइड में। यहां पर दोस्तों हमें एक्सटेंशन रॉड मिल जाती है जो पहले भी मिलती थी। ठीक है, इसको करता हूं मैं साइड में। अभी कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो यहां पर एक पैकेट है बॉक्स के अंदर, यहां पर हमें मिल जाता है एक सक्शन वाला फिल्टर। ठीक है, और ये मिल जाता है हमें एक टैप कनेक्टर जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और यही लगभग 250 के करीब आ जाता है अगर आफ्टर मार्केट लेते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर एक इनलेट फिल्टर मिल जाता है पैकेट में हमें। ये आपका एडाप्टर हो गया। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है, ये है दोस्तों क्विक एडाप्टर। ये काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को देखकर कि इसके साथ क्विक एडाप्टर भी मिलता है, तो यानी फोम कैनन भी है आई थिंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्लीनिंग पिन। ठीक है, तो इस पैकेट में फ़िलहाल अब कुछ नहीं है, खाली हो चुका है। तो इसको मैं करता हूँ साइड में। इसमें वारंटी कार्ड भी है और इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, उसको बाद में हम पढ़ेंगे फिलहाल। और उसके बाद जो कि पहले नहीं आती थी, जो कि ओल्ड मॉडल का हमारा S5 है, उसमें शैम्पू डिस्पेंसर आता था, लगभग वो 250 के करीब मिलता है। और वहीं दोस्तों ये 1000 रुपीज़ की चीज़ सेम प्राइस में इस साल आपको मिल रही है ओनली, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिए फोम कैनन काफ़ी न्यू लुक में है। इसको असेंबल करके अभी हम देखेंगे, इसका पाइप भी है यहाँ पर, तो इसको मैं बाद में लगाऊंगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, इस प्राइस रेंज में आपको अगर फोम कैनन मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या होगा। अब देखने वाली दोस्तों बात ये होगी कि फोम कैसा प्रोड्यूस होता है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा। ठीक है, अब निकालते हैं दोस्तों हाइड्रोलिक हॉस पाइप। ये देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का स्टील ब्रेडेड। आमतौर पर जो प्रेशर वॉशर सस्ते आते हैं उनमें क्या होता है, आपको रबर पाइप मिलता है जो कि ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी शानदार है। ये स्टील ब्रेडेड हॉस पाइप दिया गया है, वो भी 10 मीटर का दोस्तों। फिलहाल इसको करता हूँ मैं साइड में। और यहाँ पर दोस्तों हमें मिल जाता है एक हैवी ड्यूटी का गन। ठीक है, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर हमारा क्विक अडाप्टर लगेगा, उसको मैं असेंबल करके अभी दिखाऊँगा। और फिलहाल अब बॉक्स के अंदर बचा है प्रेशर वॉशर, तो इसको निकालते हैं। तो इसको मैं साइड करता हूं पहले बॉक्स को, फिर आपको दिखाता हूं नज़दीक से। सो दोस्तों ये रही हमारी ब्रांड न्यू शक्ति S5। यहां पर देख सकते हैं इसको मैंने अनरैप कर दिया है और मॉडल बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस इसके साथ क्या है कि आपको उसी प्राइस रेंज में, प्राइस को बढ़ाया नहीं गया है, उसमें आपको एक फोम कैनन भी मिल जाती है जो कि पहले शैम्पू डिस्पेंसर आ जाता है। मैं दोनों को, प्रेशर वॉशर को, इस वीडियो में चेक कराकर दिखाऊंगा। ठीक है, कि शैम्पू डिस्पेंसर से कैसा
सो पाता है और फोम कैनन कैसा काम करता है। ठीक है दोस्तों, और मैं बात करता हूँ इस प्रेशर वॉशर के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केबल इसकी काफ़ी बड़ी है, लगभग 3 मीटर के करीब, जो कि अभी तक जो इस प्राइस रेंज में प्रेशर वॉशर आते हैं और भी अदर ब्रांड के, वो आपको 1.5 से 2 मीटर का केबल देते हैं। ठीक है, तो इसकी ये मेरे को खासियत काफ़ी अच्छी लगी, ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें जो केबल का लेंथ है वो काफ़ी बड़ा आता है साइज़ में। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसका ये हैंडल देख सकते हैं। यहाँ पर जो पीछे का कवर किया हुआ हिस्सा है वो प्लास्टिक का है, जिसमें कि जंग नहीं लगेगा और आसानी से खुल भी जाएगा कभी रिपेयर करना हुआ तो। यहाँ पर इसके लिए स्लिप के लिए, एंटी स्लिप के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लास्टिक का ग्रिप बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आपका लगेगा हॉर्स पाइप, जो कि मैं अभी लगा कर आपको असेंबल करके दिखाऊंगा। गाइज एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा कि जो मार्केट में अभी सस्ते प्रेशर वॉशर मिल रहे हैं 4000, 5000 के या 6000 के, तो उनसे क्या डिफरेंस है इसमें। तो दोस्तों इसमें लगा है न्यू रोटर, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और बाकी सारे में क्या है कि आपको रिफर्निश्ड रोटर मिलता है और स्टेटर मिलता है। तो इसकी मैं आपको इमेज यहाँ पर वीडियो में लिंक में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं कि न्यू रोटर में और ओल्ड रोटर में कितना डिफरेंस है। इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी है, और जो मेरा ओल्ड वाला है वो अभी भी दमदार एकदम चल रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं जो पुराना है वो ख़राब हो गया है तो इसलिए मैंने नया मंगाया है। ठीक है, मैं कंपेयर करने के लिए दोनों को यहाँ पर रखा हुआ हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो सस्ते प्रेशर वॉशर आते हैं मार्केट में, उनमें ये रबड़ाइज्ड रबड़ का हॉस पाइप मिलता है हमें, देख सकते हैं ये फोल्ड हो जाता है यहाँ पर, ये देखिए, और ये बहुत ही जल्दी फटने वाला है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें आपको 10 मीटर का हॉस पाइप, बल्कि ये 8 मीटर का है और ये 10 मीटर का है, इसमें स्टील ब्रेडेड हॉस पाइप मिलता है हमें। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतना सब कुछ इस प्राइस रेंज में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से अब इसको मैं असेंबल करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये रहा इनलेट फिल्टर, इसको यहाँ पर ऐसे टाइट कर लेना है, उसके बाद इसमें लगेगा एडाप्टर। तो पहले सक्शन पाइप जो है इसको इसमें लगाने का तरीका ये है कि पहले इसको इसमें ऐसे डालते हैं, फिर इसको ऐसे पुश करके और फिर यहाँ से इसको टाइट कर देते हैं, जिससे कि ये पाइप जो है लीकेज नहीं करेगी। ये हमारा हो गया टाइट। ठीक, अब ये यहाँ पर जब लगेगा तो क्लिक की आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखिए लॉक की आवाज़ आई, तो ये लॉक हो गया है, लीकेज नहीं करेगा, एयर नहीं बनेगा। और उसके बाद दूसरी साइड में पाइप में यहाँ पर जो फिल्टर मिलता है ये यहाँ पर लगा देंगे, ये हमारा बकेट में जाएगा जहाँ से हम सक्शन करेंगे फिलहाल। और उसके बाद दोस्तों दूसरे एंड पे ऐसा ही एंड यहाँ पर है, इस साइड हमें हॉस पाइप लगानी है। तो हॉस पाइप का ये जो थ्रेड है ये आपका इसके अंदर जाएगा ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे टाइट हो जाएगा। तो ये हमारा टाइट हो गया यहाँ पर। दूसरा थ्रेड जो है हॉस पाइप का वो लगेगा गन में। ठीक है, तो ये है गन, और यहाँ पर ऐसे ये टाइट हो जाएगा। तो दोनों का सेम थ्रेड है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों में कहीं भी लगा सकते हैं आप उल्टा सीधा। तो ये टाइट हो गया, तो गन और प्रेशर वॉशर हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको एक्सटेंशन रॉड लगानी है वहाँ पर, तो उसके लिए ये आगे वाला नोज़ल आप निकाल देंगे, और यहाँ पर जो मिला है एक्सटेंशन रॉड ये ऐसे लगा देंगे। तो चलिए इसको लगा देते हैं, क्योंकि गन बड़ा रहेगा तो इजी रहेगा क्लीन करने में। तो यहाँ पर ये लग जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप अडाप्टर लगाते सकते हैं, जिससे कि आपका ये फोम कैनन यूज़ हो जाएगा फिलहाल। ठीक है, तो मैं पहले इस नोज़ल को लगाऊंगा, प्रेशर वॉशर यूज़ करूँगा, फिर मैं फोम कैनन का यूज़ करूँगा। तो ये लगा देते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो गया रेडी। चलिए अब इसकी परफॉर्मेंस आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कार की कंडीशन दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा कार गंदी है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की साइड में, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंदर व्हील के अंदर गंदी है। बॉडी भी इसकी कार की काफ़ी गंदी है, पीछे की साइड देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों अब शक्ति S5 का प्रेशर टेस्ट करके पहले देखते हैं इस बॉक्स पर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, वाह, कुछ ही सेकंड में ये बॉक्स को कट कर दिया,
अमेजिंग। तो दोस्तों अभी मैंने क्या किया है, जो मेरा ओल्ड वाला प्रेशर वॉशर है और न्यू वाला, दोनों को मैंने रेडी किया हुआ है आपको प्रेशर दिखाने के लिए कि पहले के परफॉर्मेंस में अभी क्या डिफरेंस आया हुआ है। मुझे तो नहीं लगता है, बट आप देख के बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, ये न्यू वाला है, ठीक है, ये ओल्ड वाला है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो देख सकते हैं परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं है, एक साल के बाद भी वैसा का वैसा ही परफॉर्मेंस है। देखिए कितना डिस्टेंस इसका जा रहा है प्रेशर वॉशर का, वाह अमेजिंग। हाँ, ये थोड़ा सा ये है कि ये क्विक इसका जो रिस्पांस है थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी देखिएगा ये न्यू वाला जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जा रहा है, ये थोड़ा सा मेरे को लगा, बट यहाँ पर अभी बराबर है। और देख सकते हैं लगभग 20 फीट के करीब इसका थ्रो है, शानदार। दोस्तों आज पहली बार चैनल पर दो दो गन से मैं प्रेशर वॉशर से इसको वॉश करने वाला हूं, जो कि फर्स्ट टाइम होगा। तो चलिए पहले इस व्हील पर हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। काफ़ी तगड़ा प्रेशर है, तो इसको पहले मैं पॉइंटेड से स्प्रेड कर लेता हूं दोनों को, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए शानदार कितना फास्ट ये काम कर रहा है। तो फिलहाल मैं ओल्ड वाले को रख देता हूँ यहाँ पर गन को, न्यू वाले की परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये गंदगी काफ़ी ज़्यादा है, तो चलिए गन जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो जैसे लग रहा है कि एक पुश बैक जैसे झटका मार रहा हो, तो प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। और ये देखिए प्रेशर काफ़ी तगड़ा है, यहाँ से आप इसको स्प्रेड भी कर सकते हैं और पॉइंटेड भी कर सकते हैं। तो पॉइंटेड करके प्रेशर वॉशर को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए कितना आसानी से ये जो मड है, यहाँ पर गंदगी लगी थी वो क्लीन हो गई। अब चलिए मैं व्हील के अंदर आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। ये देखिए शानदार, वाह भाई वाह, बिल्कुल अंदर से एकदम जैसे वॉशिंग सेंटर में आप वॉश करने के लिए गाड़ी को देते हैं, वैसे ही मज़ा जो है वो घर पे ले सकते हैं इस प्रेशर वॉशर से। काफ़ी कम पानी इस्तेमाल होता है इससे, देखिए ये लगभग 6 से 7 लीटर के करीब एक मिनट में यूज़ होता है। वहीं अगर आप नॉर्मल गार्डन हॉस पाइप से यूज़ करते हैं तो उसमें पानी का वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है, बट इसमें दोस्तों कम पानी में आप कार को वॉश कर सकते हैं और कम समय में, ठीक है। तो नो डाउट इसकी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, और दोस्तों पॉकेट फ्रेंडली है। देखिए प्रेशर काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसमें 1900 वाट की मोटर लगी हुई है, ठीक है, 125 बार यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं एक बार प्रेशर गेज भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने गन को प्रेस किया और यहाँ पर देख सकते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा, 125 बार से काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, तो परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी लाजवाब है। तो दोस्तों अब मैं फोम वॉश करने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं ओल्ड मॉडल के साथ जो शैम्पू डिस्पेंसर आता था उसको यूज़ करके दिखाऊंगा इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी पहले और अभी जो फोम कैनन मिल रहा है उसकी। तो चलिए डिफरेंस भी आपको दिख जाएगा उसके हिसाब से। तो मैं पहले इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं काफी वाटरी है, ठीक है। ये तुरंत बॉडी से उतर जा रहा है क्योंकि ये फोम नहीं बनाता है, एक्चुअली बस शैम्पू स्प्रेड करने का काम करता है। और अब हम चलते हैं न्यू वाले जो मॉडल के साथ हमें मिलता है फोम कैनन और ये अडाप्टर, ये साथ में ही आता है, तो दोनों को यूज करके देखता हूँ इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं अब इसे यहाँ पर और उसके बाद चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस। वाह अमेजिंग, चलिए लेट्स। दोस्तों मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे लगा कि 1000 मतलब इसके बॉक्स के साथ जो आता है वो प्रेशर वॉशर उतना बढ़िया नहीं रहता है, बट दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस, अरे वाह वाह भाई वाह,
मानना पड़ेगा। ये तो जो प्रोफेशनल फोम कैनन आते हैं उससे भी तगड़ा काम कर रहा है। ये जो प्रोफेशनल फोम कैनन आते हैं ना उससे भी ज़्यादा गाढ़ा फोम ये जनरेट कर रहा है। शानदार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया ये परफॉर्म करेगा। वाह भाई वाह। तो देखा आपने, परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि दोस्तों ये जो शैम्पू है वो बॉडी से चिपका रहता है और फिर आसानी से इसको स्क्रब कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर शैम्पू डिस्पेंसर इस्तेमाल करेंगे वो तुरंत बॉडी से नीचे गिर जाता है, फिर मुश्किल होती है उसको वॉश करने में। तो दोस्तों बात करें अगर प्राइस के बारे में, तो अभी ये 6000 में अवेलेबल है अमेज़ॉन पर, और इस प्राइस रेंज में आपको फोम कैनन भी मिल रहा है जो कि वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस वाइज आपने देखा काफ़ी दमदार प्रोडक्ट है, आप इसे खरीद सकते हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। तो दोस्तों आपने देखा शक्ति S5 का परफॉर्मेंस काफ़ी लाजवाब था, मेरे को काफ़ी मज़ा आया इसको चलाकर। ओल्ड वाला भी किसी से कम नहीं है, अभी भी एक साल चलाने के बाद भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा है। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिसे भी मशीन खरीदना है उसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।